नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 11 मोटरसाइकिलें बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बात करेंगे लातेहार की, जहां गारू थाना क्षेत्र के मारोमार के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान लदे वाहन में अचानक आग लग गई। चालक और उपचालक ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। बहराइच में पुलिस अधीक्षक बहराइच वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा राहुल पांडे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रुपई डीहा शमशेर बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव व चौकी प्रभारी बाबागंज उपनिरीक्षक राम गोविंद वर्मा तथा उनकी टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 अदद मोटरसाइकिलों के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पारा और इंस्पेक्टर बैंडिया की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा। जब पेपर वहाँ गया तो इनके पास कोई पेपर नहीं था। फिर इनसे जब पूछताछ की तो वाहन चोरी की नहीं थी। फिर और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये चूँकि एक वाहन चोर का एक इंटरनेशनल गैंग है, जो इंडिया से वाहन चुरा करके नेपाल बेचते थे, नेपाल से वाहन चुरा करके ले करके इंडिया बेचते थे और वहाँ के नंबर प्लेट लगा करके बदल करके गाड़ियाँ चलाते थे। और अभी तक इनके पजेशन से 11 गाड़ियों का बरामद हुआ है, जिसमें 2 लिंक हो गए हैं। बाकी और जो 9 गाड़ियाँ हैं उनको लिंक कराया जा रहा है कि उन्होंने कहाँ से चोरी किया है। सर, इनका अभी तो 2 लोग पकड़े गए हैं और इसकी और गहनता से छानबीन और जाँच की जा रही है। इसमें और भी लोग हो सकते हैं जो इनके नेक्सस से जुड़े हों, कोई किसी ने पकड़ा जाए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया से जो वहाँ चुराते थे नेपाल में बेचते थे, जो नेपाल से वहाँ चुराते थे ला करके इंडिया में बेचते। क्या कार नहीं क्या करते थे, उसका इंजन नंबर 33 नंबर पर टेम्पर कर देते थे और स्थानीय नंबर प्लेट लगा कर, जो पुराने वाहन का स्थानीय नंबर प्लेट लगा करके चलते थे। क्या मेरा लोगों से अनुरोध है कि जो भी आपकी जो पार्किंग है, पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें और कहीं ऐसी अनजान जगह पर ऐसे स्थान न खड़ा करें जहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था न हो, और उसको लॉक करके। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी लॉक की अंदर चली जाती है, अभी 2 मिनट जा रहे हैं तब तक गाड़ी नहीं जा रही। सर, ऐसा देखा गया है, इसमें लोग छानबीन करेंगे, हो सकता है कि इनकी चोरी की वाहन एक्चुअली में अगर देखते थे अगर कोई आदमी अगर गाड़ी खड़ा करके चला जा रहा है, अगर वो अगर 10 मिनट वहाँ रुक गया तो फिर उस गाड़ी को नहीं छेड़ते थे, लेकिन तुरंत गाड़ी खड़ा किया और चल दिया, तुरंत उस गाड़ी को उठा लेते थे। सर, खुलासा इंस्पेक्टर रुपैडिया और इनकी टीम में चौकी इंचार्ज है और इंस्पेक्टर रुपैडिया शमशेर सिंह है और चौकी इंचार्ज हैं अनिल कुमार यादव हैं, राम गोविंद वर्मा हैं और इनके साथ और भी जो आरक्षी लोग हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छा ही सराहनीय काम किया है। और एस पी मैम की तरफ से इनके 10,000 से नगद इनाम की। धन्यवाद। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां गारू थाना क्षेत्र के मारोमार के समीप इलेक्ट्रॉनिक सामान लदे वाहन में अचानक आग लग गई। चालक और उपचालक ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी देते हुए चालक राजेश मंडल व उपचालक शमीम अख्तर ने बताया कि मेदिनीनगर से शनिवार सुबह 9 बजे से अपने वाहन से इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने के लिए महुआ डांड जा रहे थे। इसी दौरान गारू के मारोमार पार करते ही वाहन के पीछे से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। वाहन में आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। आज मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जलागम विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन गांवों को उक्त योजना में शामिल किया गया है, वहां गठित वाटरशेड कमेटी वर्षा जल संचयन की दिशा में बेहतर करे। प्रकृति संसाधनों पर DPR का 47% आजीवन संवर्धन, 15% धनराशि व्यय होगी। किसानों को पशुपालन के लिए 30,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि भूमि संरक्षण विभाग की WC योजना में 70 गांवों को सम्मिलित किया गया। इन गांवों में भूमि समतल कराना एवं खेतों में तालाब खुदवाना, जिससे वाटरशेड कमेटी वर्षा जल संचयन की दिशा में बेहतर करे और खेतों को अच्छी उपज मिल सके। मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा ने जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि खेत तालाब के मेड़ बनाकर वृक्षारोपण किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा, भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर संत राम, DC मनरेगा विजय कुमार पांडे, उद्यान अधिकारी मनोज चतुर्वेदी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन गर्ग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा। भूमि संरक्षण विभाग की जो WDC योजना चलती है, उसके तहत आज एक बैठक हुई है।
इसमें हम लोगों ने 17 गांव का चयन किया है और उन गांव में भूमि का समतलीकरण कराना, खेतों में तालाब बनवाना। मंशा यह है कि जो वाटर कंजर्वेशन है उसको, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और कृषकों को उनकी प्रॉपर उपज मिल सके, उसमें इस योजना के तहत हम लोग किसानों को शामिल करके उनको स्ट्रेंथन करते हैं। साथ ही साथ जो स्वयं सहायता समूह बने हैं उनको हम आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं और उसके अलावा ट्रेनिंग उनको देते हैं जिससे कि वो स्वयं सहायता समूह बेहतर ढंग से काम कर सके। तो आज उससे संबंधित जो वार्षिक योजना है उस पर यहाँ पर चर्चा परिचर्चा हुई और जो प्रस्ताव भूमि संरक्षण विभाग द्वारा रखा गया था उसको। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां एक वृद्ध महिला दो सांड की लड़ाई का शिकार हो गई। दरअसल ये पूरी घटना शुक्रवार शाम की है। मृतका के पति मदनलाल ने बताया कि उसकी पत्नी शांताबाई कल शाम घर के बाहर बाटी सेक रही थी। इस दौरान दो सांड लड़ते हुए आए और शांताबाई के ऊपर गिर गए। इस कारण वो पास के नाले में गिर गई। पड़ोसियों की मदद से मेरी पत्नी को नाले में से निकाला और रात होने के कारण अस्पताल लेकर नहीं गए और सुबह ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो जिला अस्पताल लेकर आए और उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। आइए जानते हैं इस विषय में मृतका के पति मदनलाल का क्या कुछ कहना है। मैं मदनलाल जी चौहान, मैं टाटा नगर में रहता हूँ, घर नंबर 4 के पावसा किराना के सामने। मेरी मिसेज रात को क्या बाटी सेक रही थी कोटला के बाहर, उधर दो सांड लड़ते हुए आए, उसके ऊपर गिरे, नाली में गिरा दी। मेरे घर के सामने बहुत बड़ा नाला खोद रखा है, उसमें गिरा दी सांड ने, उसकी डेथ हो गई। रात को सर लेट हो गए थे तो रात को हम नहीं आ पाए। हम रात को दिन में 11:30 बजे डॉक्टर 4 के यहाँ लगे थे, वहाँ इसका एक्सरे करवाया। उनसे डॉक्टर 4 से हमने पूछा कि सब कितना खर्चा आएगा, इन्होंने बताया कि 25,000 का खर्चा आएगा। तो हम गरीब आदमी, हम कहना इतना इनका हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम नहीं करा सकते, इसलिए मैं घर ले आया था। तो बड़ौदा ले जाने के लिए तैयार हो रहा था मैं 3 बजे गाड़ी से, अचानक तबीयत खराब हो गई, वो हमें ये अस्पताल में लाते लाते उनकी डेथ हो गई सर। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां सृष्टि के प्रथम पत्रकार नारद जी की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक धर्मशाला अगोदिया में श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट जिला इकाई के द्वारा पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भगवान नारद मुनि के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तपस्या कार्यक्रम में पधारे पत्रकारों के द्वारा मंचासीन अतिथि श्री खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गहलोत एवं प्रेस परिषद अध्यक्ष अमर सिंह मेवाड़ा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के द्वारा उपस्थित पत्रकारों का भगवा दुपट्टा डालकर फूलमाला पहनाकर श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों एवं अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। इस अवसर पर सुनील वर्मा, कमल प्रजापति, रमेश राजपूत, राहुल विश्वकर्मा, आयुष चांडक, मनोज मनावत, दीपक अग्रवाल, गोलू गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सतीश राठौर ने किया एवं आभार डॉक्टर सुशील कुमार गहलोत ने माना। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में आरटीआई मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट और सत्ता के लिए सपा कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कहा था कि माफियाओं की एंट्री पर रोक लगाएंगे, लेकिन उन्हें की गोद में बैठाया, उन्होंने माफियाओं को पाला पोसा। इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनमें अवगुण और घोर सांप्रदायिक जातिवादी परिवारवादी हैं। बाबा साहेब को भारत रत्न को कांग्रेस ने नहीं देने दिया था, दलित राष्ट्रपति को हराने के लिए एकजुट हो गए थे। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल के माफियाओं का सफाया हो गया है। मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, लोकसभा प्रभारी आरपी कुशवाहा, राकेश त्रिवेदी, एमएलसी चंचल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, अजय कुशवाहा इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने की। ये प्रसंग इस बात का गवाह है कि कैसे हिंदी वालों ने गाजीपुर के साथ विश्वासघात किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने कसम खानी थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगी, यहां के लोग गरीबी में
घुट घुट कर जीने को मजबूर है। पुराने लोगों को पता होगा यहां की तकलीफ को सबसे पहले हमारे गहमरी बाबू ने उठाया था। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर संभाजी नगर से है। यहाँ पिशोर गांव में लोगों को पीने के पानी के लिए कई समस्याओं को उठाना पड़ रहा है, जिसके बाद ग्राम पंचायत पिशोर कार्यालय में पानी के पीने के संकट को लेकर मोर्चा निकाला गया। महाराष्ट्र संभाजी नगर से सीनियर संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।